हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आज हम ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां लोग पहुंचने के लिए तरसते हैं, और अभी आपको मिलाते हैं। फिलहाल हम आपको बताएंगे नहीं, मिलाएंगे डायरेक्ट। और एक ऐसा नाम है जो बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरे पूर्वांचल में बड़े भैया जी हैं और भाभी जी भी हैं। अभी हम आपको मिलाते हैं और ले चलते हैं आपको वीडियो के माध्यम से भैया जी के पास। और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बड़े भैया करमचंद देहाती जी हैं और मेरा भी गाने का यहाँ जो है रिकॉर्ड हुआ है, देवी गीत बहुत जल्द आने वाला है, तो भैया के यहाँ रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। भैया आप कुछ बोलिए दो सब। और ये हमारे छोटे भाई हैं और बताने की क्या ज़रूरत है, बस जनता का और आप लोगों का प्यार दुलार है। मैं तो एक गायक हूँ, न रिकॉर्डिस्ट हूँ, न म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। और ये छोटा सा मंदिर टाइप में स्टूडियो बनाया गया है अपनों के लिए, जो गरीब लोग आते हैं उन सब भाइयों के लिए। और जब हम नहीं गाते हैं, बाकी लोग जो आते हैं उनका भी सपोर्ट किया जाता है, उनको गवाया जाता है। हमारे भाई साहब का एक चैनल है, चैनल का क्या नाम है? उमेश तिवारी ऑफिशियल। उमेश तिवारी ऑफिशियल। देखिए, ये अभी तक तो हमने नहीं जान रहे थे, लेकिन ये हमको बहुत दिन से जानते हैं, शायद कभी मुलाकात होगी तब भी नहीं याद है, लेकिन चैनल के बारे में इनको नहीं पता है किस तरह से चैनल चलाया जाता है। जी भैया। और चैनल मैं दोस्तों बताऊं कि चैनल लगभग सब आजकल 90% लोग चला रहे हैं, सब खोल ले रहे हैं, लेकिन चैनल चलाने का तरीका कैसे है वो जब तक नहीं मालूम होगा तब तक चैनल ना मोनेटाइज होगा, ना उससे आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपको तरीका मालूम हो जाएगा, उस समय, उस दिन आप बहुत पैसा कमा, लाखों करोड़ों रुपये, हज़ारों रुपये कमा सकते हैं। लेकिन वो चीज़ पाने के लिए आपको तरीका मालूम होना चाहिए। आपको नहीं अगर मालूम, किसी बड़ों से सीख लेना चाहिए, या YouTube पर तमाम वीडियो पड़ी रहती है कि YouTube चैनल कैसे हम चलाएं, कैसे पैसा कमाएं, कैसे मोनेटाइज होगा, उससे आप सीख सकते हैं दोस्तों। तो भाई साहब बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं और कई शॉर्ट छोटी टाइप में 10 मिनट 5 मिनट की वीडियो इन्होंने डाला, फिल्म टाइप में, जो शॉर्ट मूवी टाइप में होती है, गाने पर बढ़िया बढ़िया व्यवसायी गाने पर इन्होंने डाला है, तो मैंने देखा है। अच्छे एक्टर हैं और अच्छी आवाज़ भी है, इनको सिर्फ जानकारी नहीं है किस तरह से काम किया जाए। अगर इनको इस जानकारी हो जाएगी तो बहुत अच्छा काम करेंगे। हालाँ एक गाना इनका माता जी का विदाई गीत है, आज डमी हुई है, लेटे कर चुकी हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि जल्दी से बन जाए और ये गाएँ, उसका वीडियो कराएँ। बाकी आप लोगों की ज़रूरत है दोस्तों, इनको आप आशीर्वाद दीजिए, सहयोग दीजिए। फिर से एक बार इनके चैनल का नाम उमेश तिवारी ऑफिशियल। उमेश तिवारी ऑफिशियल, ये सुहावल के रहने वाले हैं, बहुत अच्छे हैं, जितने अच्छे दिखने में है उतने अच्छा इनका नेक और नेचर भी है, सब कुछ अच्छे हैं। बाकी स्टूडियो में आए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है जी भैया, और जो हो सकेगा हमसे जो सपोर्ट चाहेंगे वो सपोर्ट हम देंगे, बाकी खुद। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, चलो नमो। उमेश तिवारी ऑफिशियल आ गई। उमेश तिवारी ऑफिशियल जी जी। तो इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए और अपने प्यार दुलार दीजिए, कि इस चैनल पे बहुत अच्छा अच्छा चीज़ पड़ता है, स्टोरी पड़ता है, स्टोरी बहुत सुंदर सुंदर भैया बनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए और अपने प्यार दुलार दीजिए। और जैसे कि ये बताए हैं, यूट्यूब तो सब बना लेते हैं, तरीका किसी को नहीं पता रहता है, इसलिए वायरल नहीं होता है, इसलिए आगे काम नहीं कर पाते हैं। तो भैया अब आए हैं तो इनको बताया जाएगा और किस हिसाब से वीडियो डाला जाता है, कैसे किया जाता है, ज़रूर सब कुछ बताया जाएगा। तो आप लोग बस आप लोग सपोर्ट करिए इनको और अपना प्यार दुलार दीजिए, बस यही हम चाहते हैं। और हमारे यहाँ से इनका एक गाना भी रिकॉर्ड होने वाला है, जो कि लेट हो गया है, फिर भी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जब दूसरे के यहाँ गाते थे तो एक दिन दो दिन नवरात रह जाता था, तब गाना लॉन्च करते थे। तो अभी तो कल से नवरात लगेगा, तो तब तक ले हो जाएगा, 3 दिन में रिकॉर्ड हो जाएगा इनका गाना और इनके चैनल पे पड़ेगा। आप लोग देखिएगा, हमारे चैनल से भी सपोर्ट रहेगा, वो भी देखिएगा। तो आप लोग प्यार दुलार इनको ज़रूर दीजिए, बस हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से। और दोस्तों सच बताएं, आपको एक ऊर्जा महसूस हमें काफ़ी बहुत बड़ी ऊर्जा महसूस हुई भैया भाभी जी के पास। भाभी तो एक माँ समान होती हैं, बड़े भैया जी हैं, और मुझे उम्मीद है कि इनका उचित मार्गदर्शन मिलेगा। और मैं गाने लिखता हूँ, गाता भी हूँ, और अभी तक एक उचित मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था, लेकिन भैया जी के पास आए, भाभी जी के पास आया तो एक उचित मार्गदर्शन मिला। तो आज एक उम्मीद की किरण जगी है कि भैया जी के और भाभी जी के
सपोर्ट के, उचित मार्गदर्शन के माध्यम से आगे बढ़ने का काम हो सकता है, मैं भी यूट्यूब पे सफल हो सकता हूँ। बिल्कुल हो सकते हैं। बाकी आप लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा भैया। देखिए कोई भी, या जेंट्स हो या लेडीज हो, कोई भी सफल हो सकता है, पर तरीके से काम करें, बराबर काम करें। ये नहीं है हम आज एक दिन काम करें, जैसे कि एक हम सिंपल बता रहे हैं, जैसे कि हम खाना रोज खाते हैं, ऐसा नहीं है एक दिन खाना भी ना रह पाएगा कोई। जी जिस दिन कोई देवी देवता के व्रत रखते हैं उस दिन लोग भूखा रहते हैं, तो किसी दिन नहीं हुआ तो ठीक है, हफ्ते में एक आध दिन, दस दिन में एक दिन नहीं हुआ वीडियो तो ठीक है, नहीं तो जैसे रोज़ मैं खाना खाती हूँ ऐसे रोज़ मुझे वीडियो भी डालना होता है। तो रोज़ के रोज़ और टाइम हमको एक ही फिक्स करना होता है, या शाम के टाइम या सुबह के टाइम। तो कोई भी आगे बढ़ सकता है, पर तरीके से काम किया जाए तब। इसके पहले तो जान लीजिए मौज मस्ती है कि हम मौज मस्ती वीडियो बना रहे कर रहे हैं, और कमाना हो दो पैसा, इस लाइन में नाम कमाना हो, तो आप बराबर मेहनत से काम करिए, बिल्कुल सफल मिलेगा।